गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओडिन फोर्स वर्सेस फिनिक्स फोर्स, जहाँ पर जो ओडिन फोर्स है उसे गॉड्स इस्तेमाल करते हैं और फिनिक्स फोर्स इटसेल्फ ही गॉड है, और देखेंगे इन दोनों फोर्सेस में से कौन सी फोर्स जो यूनिवर्स में है अपना अपर स्टैंड लेती है। तो देखो, अगर ओडिन फोर्स की क्रिएशन की बात करें तो ओडिन फोर्स की क्रिएशन जब हुई थी, जब जो ओडिन और उसके भाई मिलकर जो शटर से लड़ाई कर रहे थे रैग्नारोक को खत्म करने के लिए, और जब से ही वो शटर को हरा कर अपने एसगार्ड वापस लौटने लगे तो शटर ने पीछे से उठकर उसके भाइयों पर हमला कर दिया, जिसके कारण उसके भाई तो मारे गए पर ओडिन जिंदा रह गया। और जो उसके भाई के मरने के बाद जो लाइफ फॉर्म एनर्जी उसके भाइयों की रिलीज हुई तो वो ओडिन की बॉडी ने किसी तरह से एब्जॉर्ब कर ली, और उसके बाद जो ओडिन को अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी फील हुई जिसे बाद में जाकर ओडिन फोर्स कहा गया, जिसकी मदद से जो ओडिन है रियलिटी मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, मैटर मैनिपुलेशन जैसी अनगिनत पावर्स को यूज कर सकता है, और इसकी मदद से जो ओडिन है किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। अब अगर इसकी एक फीट की बात करें तो जो ओडिन फोर्स है उसकी मदद से जो थोर है उसने जो पूरे अर्थ पर जो भी एस गार्डियंस मरने के बाद थे उन्हें वापस से रिवाइव कर दिया था एट अ सेम टाइम। इसके अलावा जो ओडिन उसने जो डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स यानी कि गैलेक्टस है उसे भी नॉकआउट किया था। हाँ, उसके बाद उसे ओडिन स्लिप में जाना पड़ा था, जो कि अगेन इसकी वीकनेस है, क्योंकि ओडिन फोर्स एक रिचार्जेबल आइटम है, यानी कि इसे जो यूज करने के बाद रिचार्ज करना पड़ता है, जिसमें काफी ज्यादा टाइम भी जाता है, और इस दौरान जो यूजर है वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, इसलिए इसकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है। इसके अलावा अगर हम इसके अपोनेंट यानी कि फिनिक्स फोर्स की बात करें तो फिनिक्स फोर्स यूनिवर्स की क्रिएशन के साथ ही क्रिएट हुई थी, जहां पर काफी पावरफुल चीजें लाइक इटर्निटी और इन्फिनिटी का क्रिएशन भी हुआ था। तो देखो, फिनिक्स फोर्स का मेन काम लाइफ और डेथ का बैलेंस बनाए रखना, जहां पर ये अपने लिए एक सुटेबल होस्ट को चुनती है जो कि इसकी पावर्स को संभाल सके, और उसकी पावर्स को जो ये बहुत ज्यादा इनफाइनाइट लेवल तक बूस्ट देती है। इसके अलावा जो फिनिक्स फोर्स अपने होस्ट को इनवेलेबल भी बना देती है हर एक वेपन और हर एक एनर्जी के खिलाफ, और उसे इमोर्टैलिटी का वरदान भी देती है, यानी कि जब लोगन को फिनिक्स फोर्स मिली तो वो इमोर्टल बन गया जब तक उसने अपनी फिनिक्स फोर्स थोर को ना दे दी। तो देखो, जो फिनिक्स फोर्स है उसकी मदद से भी रियलिटी मैनिपुलेशन, मेंटल मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन सब एटॉमिक लेवल तक किया जा सकता है। इसके अलावा जो ये फोर्स है इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसे यूनिवर्सेस को क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब देखो, अगर फिनिक्स फोर्स ओडिन फोर्स दोनों ही अपने अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर अगर इनकी पावर की फाइट हो तो ये डिपेंड करता है यूज़र पर कौन सा ज़्यादा अच्छे से यूज़ करे, पर अगर बस इनकी जो फोर्सेस की बेसिस पर पावर की बात करें तो जो फिनिक्स फोर्स है कहीं ना कहीं अपर स्टैंड लेती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी फोर्स भी है और इसका काम ही यूनिवर्स में लाइफ और डेथ को बैलेंस करना है, तो ये पावरफुल तो होगी और इसमें कोई रिचार्जेबल की झंझट भी नहीं है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना फॉर मोर ऐसी वीडियोज़, और पीस।